नमस्कार भालो, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप एलन टैब को कैसे परचेज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मैं वीडियो जो है सो फ़ोन में बना रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो वीडियो देखते हैं मेरे लोग वो फ़ोन से ही देखते हैं, तो इसलिए ये मतलब वीडियो फ़ोन पर बनाने का जो है सो रीज़न है। तो आपको डेस्कटॉप वाले भी वर्जन मिल जाएगा वैसे अगर मेरे चैनल पर जाइए तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो बेसिकली एलन टैब बाई करने के लिए आपको जो है सो सबसे पहले जो जाना पड़ेगा, आपको किसी भी ब्राउज़र को खोल लीजिए। मैं प्रेफर करूँगा कि क्रोम या फायरफॉक्स में से कोई खोले, क्योंकि ये जो है सो वेबसाइट जो है सो बहुत सारा बग्स है इसमें, तो ये जो है सो बेस्ट डिज़ाइन किया गया है क्रोम और फायरफॉक्स के लिए ही। जनरली सभी यही करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब आपको इसी दोनों ब्राउज़र में से कोई एक खोलना चाहिए ताकि वेबसाइट सही से काम करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जिस वेबसाइट मतलब को खोलना है उसका नाम है एलन, सॉरी टैब। एक होता है एक वेबसाइट है elan.ac.in, वो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है एलन का। लेकिन एक वेबसाइट है tab.elan.ac.in, देख सकते हैं आप ऊपर में। इस वीडियो को अगर आप हाई क्वालिटी में देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि tab.elan.ac.in है। उसके बाद इस URL पे आपको सीधे जाना है और एंटर मार देना है। उसके बाद सीधे उसका वेबसाइट खुल जाएगा ऑफिशियल, कुछ इस तरीके का वेबसाइट खुलेगा। ये ऊपर पे जो है सो बैनर है सेखी बघाड़ने के लिए कि हाँ मेरा जो है सो स्टूडेंट सब टॉपर है, लेकिन ज़्यादातर आदमी फेल करते हैं, उसके बारे में कोई नहीं कुछ कहता है। खैर हम लोग अपना काम से काम रखते हैं। तो आपको करना ये है कि आपको अगर आप न्यू है एप्लीकेंट है तो आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन 2019 से 2020 के बीच वाला जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप किसी भी ईयर में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उस ईयर का वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके का कुछ डेस्कटॉप वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको बेसिकली आपको जो है सो पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। ये बेसिकली आप अकाउंट बनाते होंगे ना इंस्टा का या फिर ट्विटर का या फिर फेसबुक का या फिर किसी भी सोशल मीडिया का या टम्बलर का या कुछ भी, तो आप जैसे फॉर्म भरते हैं ना वैसे ही यहाँ भी भरना है आपको। उसके बाद आपके मतलब एलन को कैसे जाने वो बताना है। उसके बाद कोर्स सेलेक्ट करना है, कोर्स जो है सो सेलेक्ट करना है कहाँ का बोर्ड है। उसके बाद करंट क्लास सेलेक्ट करना है, स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने क्लास जो है सो 12 डाल दी अंडर गोइंग, और एजुकेशन बोर्ड जो है सो CBSE। उसके बाद स्ट्रीम पासवर्ड में कुछ भी डाल दिए, ABCD जो भी है, कंफर्म पासवर्ड में कुछ भी डाल दिए। उसके बाद है एलन को कैसे जानते हैं, तो एलन को जानते हैं इंटरनेट के थ्रू, जो भी डालना है डाल सकते हैं आप। उसके बाद स्ट्रीम क्या है आपका, स्ट्रीम है जे मेंस प्लस एडवांस है या जे मेंस है या फिर प्री मेडिकल है, ठीक है। तो आपका जो डालना है डाल सकते हैं। मेरा जे मेंस प्लस एडवांस है, वैसे मेरा कोर्स हो चुका है, मैंने पिछले साल ही एलन टैब खरीदा था तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, और तो इसलिए जो है सो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे भी ये फॉर्म भरने का, लेकिन दिखाने के लिए भर रहा है। उसके बाद कोर्स में आप सेलेक्ट करेंगे कि एलन टैब लीडर जॉइंट पैकेज, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जेई मेंस प्लस एडवांस की जगह जेई मेंस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कोर्स में एलन टैब जॉइंट पैकेज और एक और था क्या था प्री मेडिकल, तो इसमें है एलन टैब जो लीडर जॉइंट पैकेज। सब 12 को लीडर बैच कहते हैं इसलिए शायद सब में जो है सब, हाँ, तो इसके लीडर पैकेज जो भी है सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल नेम ऑफ स्टूडेंट डालना है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ये मेरा फॉर्म आ गया ऑटोमेटिक, हाँ, तो ये अपने आप भर दिया, देख सकते हैं। उत्सव निशान था, डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है ओरिजिनल वाला जो सर्टिफिकेट में है, ना कि आपका ओरिजिनल मतलब जो सर्टिफिकेट में है ना आपके 10th के मार्कशीट में था, मतलब वही सब आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद जेंडर डालना है, उसके बाद कैटेगरी डालना है। कैटेगरी में क्या है भाई, हाँ, ST SC OBC जो भी है या अदर आप जो भी है उसके बाद वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका जो है घर का पिन डालना है, उसके बाद कंट्री डालना है, उसके बाद फ़ोन नंबर डालना है, एक फ़ोन नंबर है और एक मोबाइल नंबर है। तो फ़ोन नंबर को आप इग्नोर ही कीजिए, कंपलसरी नहीं दिया हुआ है, फ़ोन वैसे भी रखता कौन है, तो यहाँ पे मैं कंपलसरी है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर पर डालिए।
और उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस डालिए, उसके बाद जो है सो ये कैप्चा फिल करने के लिए बोला, कैप्चा फिल उसके बाद सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो इस इतना करने के बाद आपको होगा कि आपको जो है सो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपको जो है सो फॉर्म मतलब एक फॉर्म आई डी दिया जाएगा, पता है ना, एलएनआई फॉर्म आई डी जो भी है, तो वो दिया जाएगा और आपको मैसेज किया जाएगा ईमेल किसी भी थ्रू से, जैसे अकाउंट बनाते हैं वैसे ही। उसके बाद आपको एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट जहाँ पे लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके जो है सो उस अकाउंट में लॉगिन कर लेना है उसी चीज़ से, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सो सीधे आ जाएगा किसका ऑप्शन, पेमेंट का ऑप्शन। आप क्लिक कीजिएगा वहाँ पर, देखिएगा पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर कोई बग्स आता है इस वेबसाइट में, बग्स बहुत है पहले बता दें, अगर बग्स आता है जैसे कि आपका पेमेंट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है या एटसेट्रा कुछ भी आ रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है या फिर पूरा ब्लैंक दिख रहा है कुछ भी, तो आप सीधे एलन को जो है सो कॉन्टैक्ट कीजिए। एलन का जो है सो फॉर्म नंबर सॉरी फ़ोन पे आपको एलन का फ़ोन जो है सो यहीं पर मिल जाएगा। ये देखिए कॉन्टैक्ट है नीचे, और कॉन्टैक्ट अस में आपको जो है सो सी पी संकल्प का जो है सो संकल्प में ही कॉल कीजिएगा। यहाँ पे है 7 4 9 +9 1 7 4 4 2 7 5 7 5 7 5, या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में आपको रिप्लाई आने में एक दिन लग सकता है मैक्सिमम, इसलिए आप कोशिश करें कि आप सीधे फ़ोन ही कर लें, ठीक है। तो फ़ोन करने के बाद आपको जो है सो वो बताएंगे क्या करना है नहीं करना है। वो जनरली यही रिकमेंड करते हैं कि क्रोम से खोलने के लिए या फायरफॉक्स से, यही बेहतर ब्राउज़र है, तो इसलिए आप जो है सो वही करें। तो उसके बाद जब आप ऐप लॉगिन कर लीजिएगा तो आपको सीधे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मतलब से कर सकते हैं ऑनलाइन। इंटरनेट बैंकिंग का नहीं ऑप्शन है इसमें, इतना तो तय है, पहले नहीं था, अब एक साल में आ गया होगा वो अलग बात है, लेकिन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ही ऑप्शन रहता है, उसके बाद पे कीजिएगा। मेरे साथ पिछले साल ये हुआ, मतलब पिछले से पिछले साल, कि मैंने पेमेंट किया और उसके बाद जो है सो पेमेंट प्रोसेसिंग भी हो गया, पैसा कट गया, लेकिन जो है उसके बाद पेज फंस गया, पता नहीं क्यों। उसके बाद आगे ही नहीं बढ़ रहा था पेज, मैंने बोला ना बग्स है इस वेबसाइट में, तो उसके बाद आगे ही नहीं बढ़ रहा था पेज, और उसके बाद बहुत देर हो गया तो मैंने काट दिया उसको, और उसके बाद जो है सो कन्फर्मेशन आया ही नहीं कि मैंने कभी पेमेंट भी किया है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन अगर आपके साथ भी हो तो सिंपली कुछ नहीं कीजिए, एलन का जो है सो ईमेल है, ठीक है, ये देखिए कॉन्टैक्ट में ईमेल है, हाँ ये रहा tab@elan.ac.in, इस पे जो है सो आप ईमेल कर दीजिए, क्या ईमेल कीजिए कि भाई जी हम जो है सो मतलब ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, लिखिए सब्जेक्ट भी लिखिएगा रिगार्डिंग एलन पेमेंट जो भी है, तो उसमें मतलब बेसिकली आपको ये लिखना है कि मतलब हम पेमेंट किए और पेमेंट जो है सो सक्सेसफुल हो गया, पैसा भी कट गया, लेकिन जो है सो मेरा वहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद करना ये है कि आपको जो है सो जैसे कि वो जो नोटिफिकेशन आया होगा, मतलब क्या कहते हैं फ़ोन पे, या फिर जनरली तो फ़ोन पे ही आता है नोटिफिकेशन, बैंक का नोटिफिकेशन कि आपके अकाउंट से पैसा कटा है, उसको जो है सो आप सेम टू सेम कॉपी करके उस ईमेल में पेस्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि आप सीधे कॉल कीजिएगा एलन को तो भी वो बोलेगा कि आप ईमेल कीजिए, और ईमेल में जो है सो अपना बैंक अकाउंट का जो है सो डिटेल, जो मतलब आप जो कटा है पैसा उसका जो है सो मतलब स्क्रीनशॉट या ईमेल जो भी है उसको आप सेंड कीजिए, ठीक है। तो आपको वो जो है सो सेम टू सेम कॉपी कट पेस्ट कर देना है, और उसके बाद उस ईमेल को सेंड कर देना है। ईमेल सेंड करने के बाद 5 घंटा तक वेट कीजिए, और 5 घंटा मैक्सिमम 5 घंटा, 4 से 5 घंटा वेट कीजिए, और उसके बीच में जो है सो आप कभी भी कॉल कीजिए एलन को, बोलिए ऐसे 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 बात है, सो मतलब मेरा जो है सो क्या कहते हैं पेमेंट कट गया है, लेकिन जो है सो अभी तक सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो वो बोलेंगे ईमेल करने के लिए, तो आप बोलिएगा कि हम ईमेल ऑलरेडी कर चुके हैं 5 घंटा पहले या 4 घंटा पहले जो भी है, तो उसके बाद कहेंगे वो ठीक है, उसके बाद बोलेंगे कि हम चेक करते हैं, वो उसी समय या तो चेक कर लेंगे या फिर कुछ टाइम लगाएंगे, वो आपको टाइम दे देंगे उसके अनुसार, तो उसके बाद हो जाएगा। और क्या कहते हैं वो जो है सो एलन टैब को डायरेक्ट आपके जो है एड्रेस पे डिस्पैच कर देंगे, ठीक है। ये जो है एक और बात, ये DTCP ऐसे अगर कोई कुरियर से जो है सो आपका एलन टैब भेजते हैं, तो आप एड्रेस ऐसा ही दे, मतलब जैसे कि सिटी का एड्रेस दे, मतलब अच्छे खासे सिटी में आ जाता है ये मतलब कुरियर,
जनरली हम गांव का ना, देखकर आप गांव में रह रहे हैं तो आपका कोई सिटी में है रिलेटिव तो उसके यहाँ का एड्रेस दे दें, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से गांव में भी आ जाएगा क्योंकि आजकल का कुरियर जो है सो बहुत ही मतलब कहीं भी पहुंचा देता है कुरियर। तो मतलब आजकल मतलब अब जो है सो कुरियर कहीं पहुंचा देता है, लेकिन पहले तो नहीं था, तो इसलिए हम जो है सो अपने मतलब रिलेटिव के यहाँ का ही एड्रेस दिए थे। तो आप दे सकते हैं, आप भी रिलेटिव के यहाँ का एड्रेस, अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है तो उनसे पूछ लीजिए कि गांव है। वैसे वो यही बोलेंगे कि मतलब जो है सो गाँव है तो किसी सिटी का ही दीजिए। तो फिर भी आप एड्रेस डाल ही के देख लीजिए गाँव का, अगर नहीं कोई चारा बचे तो डाल के देख लीजिए, नहीं आया तो नहीं आया, आया तो ठीक है, नहीं आया तो जो है सो कहेंगे कि नहीं आया है, और आया तो बहुत बढ़िया, तो वापस जाएगा। और उसके बाद जो है सो प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको कोई चारा नहीं है तो आप गांव का ही दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इतना करने के बाद आपको बेसिकली वही, जैसे आप फेसबुक अकाउंट बनाते हैं या फिर इंस्टा या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे, तो उसी तरीके से आपको जो है सो अकाउंट बनाना है, उसके बाद लॉग इन करना है उस अकाउंट पे, और उसके बाद जो है सो जैसे चलाते हैं उसी तरीके से आपको 11 या 7 जो भी बाय करना चाहते हैं वो मतलब कर सकते हैं। मैंने मतलब ये तो हो गया, आप एलन टैप कैसे खरीदेंगे, आपके घर पे पहुंच जाएगा, आपका फॉर्म नंबर रेगुलर मैसेज भेजेगा कि ये एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम है, एलन टैप से पढ़ सकते हैं, वीडियो लेक्चर बिल्कुल भी नहीं है। और इतना तो हो गया, आज का टॉपिक था कि मतलब एलन टैप को बाय कैसे करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो है मतलब क्या कहते हैं एलन टैप के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, एलन टैप के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो मेरे चैनल पे विजिट करें, टॉप सेक्शन में ही होगा 2-3 वीडियो मेरा जो है सो मतलब सारा वीडियो जो है सो एलन टैप के रिगार्डिंग जो है सो वायरल चला गया, पता नहीं कैसे है, तो इसीलिए हम ये भी वीडियो बना रहे हैं। तो सारे वीडियो पे जो है सो 10,000+ व्यूज़ है। तो कहने का मतलब यही है कि आप दूसरे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, आपको मतलब एलन टैप के बारे में और जानकारी मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ और क्या।